मानो मैं मित्राणी, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, हमारे चंद्रा संस्थान के अंतर्गत टीजीटी विषय का विशेष रूप से क्लास का आयोजन किया गया है। इसमें मैं संस्कृत विषय के अंतर्गत आपको सुगनासोपदेश पहले डेमो क्लास में मैंने आपको परिचय कराया था। आज मित्रों कादंबरी कथा अंतर्गत सुगनासोपदेश के प्रथम गद्य खंड की व्याख्या और उससे संबंधित जो टिप्पणियां आती हैं उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले किसी भी ग्रंथ का जब प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले वंदना की जाती है मित्रों, इसलिए सबसे पहले हम लोग सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद जो है ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। सरस्वती वंदना है मित्रों, या कुन देंदो तो सार हार धवला या शोभ्रवस्त्रामृता या वे रावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना याव्रह माच्युत शंकर प्रभृति भर देवै सदा वंदिताम सामाम पातु सरस्वतीं भगवते निहसे सजाड्यापह करेण वीडा परिवादयंतिम तथा जपंतिम परेण माला मराल प्रेषासन सन्निवेष्टाम सरस्वतीम ताम शिरसाम नमामि। नमो नमः मित्राणि। तो देखिए मित्रों, ये कादंबरी कथांतर्गत कादंबरी के दो पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध। तो ये पूर्वार्ध भाग से आपका सुगनासोपदेश जो है अवतरित किया गया है। सुकस्य नासा इव नासा असौ, सुख के समान जिसकी नासिका है, सुक माने तोता, तोते के समान जिसकी नासिका है, ऐसे नासिका वाला वह सुकनास अपने मंत्री के पुत्र तारापीठ मंत्री उनका था, तारापीठ राजा थे, उनका मंत्री सुगनासोपदेश सुगनास उनके पुत्र को राज्याभिषेक पर बैठाने से पहले कुछ जो है उपदेश देते हैं। वही उपदेश की चर्चा मैं आपसे करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मित्रों देखिए, पहला चरण है हमारा तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेशतव्यम अस्ति। मित्रों देखिए, यहां पर तात जो है ये संबोधन है, तात के बाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। तात का मतलब होता है पुत्र भी, तात माने पिता भी, तात माने भाई। तात किसो चकी मात किसो, तात की सोच न मात की सोच। यहां पर मित्रों भगवान श्री राम ने कहा है, तो तात माने वहां पर पिता अर्थ है, लेकिन मित्रों यहां पर हमारा तात माने क्या है, पुत्र। तात माने हे पुत्र चंद्रापीड विदितम, इसमें विद धातु है और अक्त प्रत्यय है मित्रों, विद धातु विद ज्ञाने है, विद विद धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ करके विदित शब्द बना, विदित वेदितव्यस्य और इसमें तव्य प्रत्यय है मित्र, विदितम वेदितव्यस्य, विदित वेदितव्यस्य, वेदितव्यस्य जानने योग्य, जानने योग्य सभी बातों को विदित आपने ज्ञात कर लिया है। हे पुत्र चंद्रापीड, जानने योग्य जितनी सभी बातें हैं, जितना भी जो है सांसारिक जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान है आपको चाहिए, एक राजा के पद के लिए, एक राजा का जो आचरण व्यवहार होता है, शिष्टाचार होता है, उसके निहित, उसके
लिए जितनी भी हमारी औपचारिकताएं होती हैं, हे पुत्र वेदितव्यः विदितः, आपने जानने योग्य बातों को वेदितव्यस्य विदितः, जानने योग्य बातों को जान लिया है। अधीत अधीत में भी मित्रों आधि उपसर्ग पूर्वक इसमें भी अक्त प्रत्यय है, ठीक है मित्रों। तो अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्रस्य अधीतः, आपने सभी शास्त्रों के बात को ग्रहण कर लिया है। सर्वशास्त्रस्य अधीतम, सभी शास्त्रों को आपने अध्ययन कर लिया है। ते न अल्पम अपि, यहां मित्रों देखिए न अल्पम अपि, नाल्प है न अल्पम अपि, यहां पर जो है अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि है। अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, अल्पम में मा में हलंत हो जाएगा, अपि हो जाएगा। अल्पम अपि यहां पर अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, अपि उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम यहां पर यण संधि है, इको यण छे मित्रों। कहा ते तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अल्पम माने थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम इसमें भी तव्य प्रत्यय है मित्रों, थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं है। हे पुत्र तात चंद्रापीड, जानने योग्य सभी बातों को तुम जान लिए हो, अधीत सर्वशास्त्रस्य, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो। अब ये अक्त प्रत्यय मित्रों हमेशा जो है भूतकालीन क्रिया में लगाया जाता है, तो जानने योग्य सारी बातों को जान लिए हो, ठीक है। ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी उपदेश करना अवशेष नहीं है। ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी उपदेश देना अवशेष नहीं है। परंतु केवलंच निसर्गत एव, केवलंच परंतु केवल, निसर्गत निसर्गत एव स्वभाव ही, स्वभाव से, स्वभाव से, परंतु फिर भी मैं थोड़ा तुम्हें उपदेश करना चाहता हूं, क्योंकि राज्याभिषेक के समय में जैसा कि कहा गया है प्रभुता पाये काहि मद नाही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। मित्रों प्रभुता पाने पर जिसके पास धन हो जाता है, वैभव हो जाता है, स्वरूप से सुंदर हो जाता है, गुणवान हो जाता है, निश्चित रूप से उसके अंतर्गत गर्व होना स्वभावतः है। तो इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड, यद्यपि तुमने सभी शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और सभी उपदेशों को ग्रहण कर लिया है, तुम्हें उपदेश देना थोड़ा सा भी शेष नहीं है, लेकिन फिर भी निसर्गत एव, स्वभाव से ही, केवल स्वभाव, बस ये मेरा ऐसा स्वभाव है, मुझे लग रहा है कि तुम राजा के पद पर बैठने जा रहे हो, कोई भी तुम्हारे अंतर्गत बुराई न हो कि कल जो है लोग तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाले, इसलिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। स्वभावतः निसर्गत एव, स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, भेद्यम में मां में हलंत कर देंगे मित्र तो क्या हो जाएगा, अरत्न आलोक छेद छेद्यम प्रदेप प्रभा अपनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम, यौवन प्रभवम, यौवन माने युवा अवस्था का प्रभाव, ये युवा अवस्था की अवस्था ऐसा होती है कि किसी को भी मदांध बना देती है, ये आधी तूफान और झंझावात की स्थिति होती है प्रौढ़ावस्था। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड, यौवन प्रभवम, युवा अवस्था के उत्पन्न होने पर, युवा अवस्था का प्रभाव प्राप्त होने पर यह क्या होता है, अति गहनम तम, अत्यधिक गहन, गहन माने घना, जैसे अत्यधिक घना अंधकार होता है उसमें दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है मित्रों, उसी प्रकार से यह युवा अवस्था का प्रभाव होता है। युवा अवस्था में कहा गया है कि कौन नहीं सुंदर होता है, युवा अवस्था में हर कोई सुंदर होता है, इसलिए
युवावस्था का प्रभाव है, जो कि क्या होता है, अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम सूर्य के किरणों के द्वारा ना भेद्यम भेदा नहीं जा सकता है। युवा अवस्था के प्रभाव में मद का ऐसा अंधकार होता है शरीर में कि यह जो मद का अंधकार होता है, घमंड का जो अंधकार होता है मित्रों, अभानुभेद्यम सूर्य के किरणों के द्वारा, भानु माने सूर्य, सूर्य के किरणों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। जबकि सूर्य की किरणें चाहे जो है आप 50 कोठरी के अंतर्गत हो जाए, लेकिन वहां अगर प्रकाश है तो कुछ न कुछ उसकी आभा जरूर पहुंचेगी। लेकिन यह युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो अज्ञानता का अंधकार है, घमंड का, यह सूर्य के किरणों के द्वारा भी भेदी नहीं जा सकती हैं। आरत्नलोक छेद्यम, रत्नालोक, रत्न माने मणियों के द्वारा या आभूषणों के द्वारा अनेक प्रकार की जो लालिमाएं उत्पन्न की जाती हैं, आलोक छेद्यम न, रत्नों के प्रकाश के प्रभाव से भी इसे भेदा नहीं जा सकता है। न तो सूर्य के किरणों के द्वारा भेदा जा सकता है, न तो रत्नों की प्रभावों के द्वारा, रत्नों की किरणों के द्वारा, आलोक के द्वारा, प्रकाश के द्वारा न भेदा जा सकता है। अप्रदीपम प्रभा अपनेयम, और प्रभा माने किरणों के द्वारा, प्रदीप प्रभा प्रकाश के किरणों के द्वारा, प्रदीपम विशिष्ट जो दीपक जलाए जाते हैं, प्रदीपम प्रकृष्ट दीप प्रदीप, जो विशेष दीपक, जैसे आप लोग हैलोजन वगैरह जब होता है, हैलोजन में प्रकाश ज्यादा होता है, एलईडी बल्बों में जैसे ज्यादा प्रकाश होता है, तो छोटी बल्ब को करके आप एलईडी बल्ब जलाते हैं, फिर हैलोजन जलाते हैं, तो तमाम प्रकार से प्रकाश को आप बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से मित्रों कहा गया, अब सुखनाथ जी कह रहे हैं कि हे बेटा चंद्रापीड, अप्रदीपम प्रभा अपनेयम अतिगहन, कहा किसी भी प्रकाश की किरण के द्वारा इसे अपनेयम हटाया नहीं जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता है। अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम, अत्यधिक गहन जो है युवा अवस्था का जो अंधकार होता है, युवा अवस्था के अज्ञानता से प्राप्त जो हमारा अंधकार होता है शरीर में, वह किसी भी प्रकार के सूर्य के किरणों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ना तो रत्नों और मणियों के प्रकाश की प्रभा से हटाया जा सकता है, और ना तो किसी भी दीपक के प्रकाश से हटाया जा सकता है। इतना जो है ये आपका गूढ़ गहन अंधकार होता है युवा अवस्था का। तो मित्रों इसलिए बता रहे हैं सुखनाथ जी कि इसीलिए बेटा तुम्हें उपदेश देना मैं जरूरी समझ रहा हूं। फिर इसके बाद है मित्रों, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदह, यह लक्ष्मी मदह, दारुण लक्ष्मी, दारुण कठोर, दारुण कठिन कठोर, ये दारुण कठिन जो लक्ष्मी का मद है मित्रों, ये लक्ष्मी का मद मित्रों इतना कठोर होता है, दारुण कठोर होता है लक्ष्मी का मद, कि अपरिणामोपशम, अपरिणामोपशम इसका मतलब हुआ मित्रों, अपरिणाम का अर्थ होता है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर, वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर भी लक्ष्मी मदह ना उपशम, शांत नहीं होता है। वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपरिणाम, परिणामोपशमो, परिणामोपशमो माने परिणाम की अंतिम अवस्था को प्राप्त होने पर, अर्थात वृद्धावस्था, जबकि वृद्धावस्था में कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, जो है अब हमको नहीं चाहिए ये सब, जो है मेरे बच्चों के लिए है, इनके लिए है, उनके लिए नहीं। आप देखेंगे मित्रों, देख लीजिए चाहे जहां भी, वृद्धावस्था में हमको मोह ज्यादा होता है। राजा दशरथ को चौथे पन में जब पुत्र की प्राप्ति होती है मित्रों,
तो राजा दशरथ नहीं चाह रहे थे कि हमारे बेटे कहीं बाहर जाएं। तो अंतिम अवस्था में मोह और ज्यादा होता है, इसीलिए सुखनाथ जी कह रहे हैं कि अपरिणामों समूह दारुणो लक्ष्मी मदह, हे पुत्र तुम राजा बनने जा रहे हो, युवा अवस्था से संपन्न हो, पहले से ही तुम्हारे पिता राजा थे, पहले से तुम्हारे पिता राजा थे, और एक तुम राजा के पुत्र हो और राजा बनने जा रहे हो, अतः जो दारुण माने कठोर लक्ष्मी का मद है, धन का जो घमंड है, धन मद, जन मद, रूप मद, विद्या मद, ये सब मद जो है बड़े खतरनाक होते हैं, और निश्चित रूप से मद कोई भी हो, घमंड भगवान का आहार होता है, इसलिए अपरिणामों समो दारुणो लक्ष्मी मदा, लक्ष्मी का मद जो होता है, लक्ष्मी का घमंड होता है, वह वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर भी नहीं समाप्त होता है। कष्ट मनंजन वर्ते साध्यम, अब आगे कहा जा रहा है मित्रों, कष्टम अनंजन वर्त साध्यम अपरम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, कहा ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी धन से प्राप्त हुआ जो तिमिर माने अंधकार रूपी अंधत्व होता है, धन मद से पगलाया हुआ जो तिमिर रोग होता है, जो रतौंधी होती है, रोग होता है, धन रूपी मद से आंख सही है, आंख से दिखाई दे रहा है, लेकिन धनवा के कारण बेटा क्या कर दिया है, उसके आंख को जैसे धन ने ढक लिया है, पर्दा हो गया है, सब कुछ देख रहा है कि मेरे द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, लेकिन वह सोच रहा है कि मेरे पास इतना धन है कि मैं सारे गलत कार्य को सही कार्यों में बदल दूंगा। इसलिए मित्रों क्या कहा गया, कहा कि ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य माने धन रूपी, धन रूपी जो तिमिर माने अंधकार से उत्पन्न हुआ, धनमद से उत्पन्न हुआ जो अंधत्वपन है, अंधापन है, यह अनंजन वर्त साध्यम अपरम कष्टम, कहा अनंजन वर्त साध्यम, अंजन सलाकाओं के द्वारा भी अंजन वर्त साध्यम अपरम, साध्यम अपरम, अंजन सलाकाओं के द्वारा जैसे अंजन लगाते हैं, अगर आंख में जो है थोड़ा सा भी अंधापन है, किटकिरी है या और कुछ है मित्रों, तो क्या होता है कि अंजन लगा लेते हैं तो आंख थोड़ा राहत होती है, सही हो जाता है, लेकिन बताया गया कि यह ऐसा अंधापन है, धन मद के द्वारा ऐसा अंधापन होता है कि अंजन सलाखाओं के द्वारा अंजन आदि लगाने, सुरमा आदि लगाने पर भी यह अंधत्वपन दूर नहीं होता है, और अंधापन है तो अनेक प्रकार के इलाजों के द्वारा, अनेक प्रकार के जो है दवाओं के द्वारा, औषधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन यह ऐसा रोग है ऐश्वर्य रूपी घमंड से उत्पन्न हुआ जो हमारे शरीर में आंखों पर जो अंधत्वता विद्यमान है, जो अंधापन का रोग विद्यमान है, यह अनेक प्रकार के अंजन सलाकाओं के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है मित्रों, जहां अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगी तुरंत बताएं। इसमें मुख्य रूप से विशेष रूप से आपसे जो पूछा जाता है, सुक्तियां बहुत पूछी जाती है, सुक्ति जैसे आ गई कष्टमनंजन वर्त साध्यम अपरम ऐश्वर तिमिरांधत्वम, तिमिरांधत्वम तिमिर रूपी अंधत्व, तिमिर माने अंधकार, कैसा अंधकार है, अस्वर्यम ऐश्वर्य के अंधकार से अंधापन हुआ व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति का अंधापन अंजन सलाकाओं के द्वारा भी नहीं दूर किया जा सकता है, सुरमा आदि लगाने पर जैसे अगर अंधापन है तो वह दूर किया जा सकता है, लेकिन यह ऐसा अंधापन है मित्रों कि चाहे कितना भी सुरमा नहीं ले आकर के सुरमा का पूरा ड्रम जो है लगा लीजिए, लेकिन वह शांत होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है,
इसके बाद अगला है मित्रों हमारा गद्यखंड किलाइन अशिशिरो चार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा। कहा ऐश्वर्य रूपी घन धन का मध इतना कथन। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायव किंसुका। कहा रूप से कोई कितना ही संपन्न क्यों ना हो, यौवन से युवा अवस्था से कितना ही क्यों न प्राप्त हो, विशाल कुल संभव विशाल कुल में संभव क्यों ना हो, लेकिन अगर विद्या रूपी उसके पास धन नहीं है तो विद्याहीनान शोभन्ते, विद्या से हीन पुरुष शोभा नहीं प्राप्त करता है, इसलिए चंद्रापीठ तुम्हें उपदेश देना कुछ शेष है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं बेटा। नहीं तो बाकी तो तुम सारे शास्त्रों को पढ़ लिए हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे स्वभावगत निसर्गत एव मुझे स्वभाव से ही थोड़ा सा लगा, मेरा ये आदत है, स्वभाव है, व्यवहार है। विद्वान पुरुष जो होते हैं वो हमेशा दूसरों का कल्याण सोचते हैं, और सुकनास बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था तारापीठ का, इसलिए वह कह रहा है कि अशिशिरो पचारहार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा। देखिए मित्रों, आप देखे होंगे जब घर में बच्चों को बुखार होते हैं तो माताएं क्या करती है, माताएं उनके ऊपर पट्टी लगाती है। पट्टी इसलिए लगाती हैं कि जो उत्पन्न हुआ इसके अंतर्गत दाह है, दाहकता है, जैसे अग्नि में जलाने की क्षमता होती है वैसे ही ज्वर भी जलाने की क्षमता रखता है। ज्वर माने बुखार, तो बुखार से उत्पन्न जो हमारे शरीर में ज्वर की पीड़ा रहती है, जो दाहकता रहती है, वह दाह दर्प 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 माने घमंड होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। दर्प दाह ज्वर उष्मा घमंड से सनी हुई, दाहकता से युक्त, घमंड के दाहकता से युक्त, घमंड रूपी दाह माने अग्नि, घमंड की अग्नि से उत्पन्न जो ज्वर बुखार रूपी उष्मा है, कहा वैसी उष्मा नहीं, घमंड रूपी अग्नि से उत्पन्न जो उष्मा है वह शिशिरह पचार हार्यो अति तीव्र ना। कहा अति तीव्र, वह उष्मा अत्यधिक तीव्र होती है, अत्यधिक भयानक होती है, अत्यधिक खतरनाक होती है। अगर साधारण बुखार की उष्मा है तो उसको जो है शिशिरोपचार हार्य अस्थि शीतल जल कणों के द्वारा उसे जो है शांत किया जा सकता है, लेकिन दर्पदाह ज्वर उष्मा घमंड रूपी धन की मरांधता से उत्पन्न हुई जो अग्नि के समान जलाने वाली जो बुखार की उष्मा है, यह अशिशिर शीतल जल कणों के द्वारा भी पचार हार्य न, जो दिया है अमाने न, शीतल जल कणों के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती है। साधारण बुखार तो शीतल जल कणों के द्वारा दूर की जा सकती है, पट्टी याद रख करके दूर किया जा सकता है, लेकिन मित्रों आपको बता दूं, यह जो है धन मदरूपी घमंड की ऐसी बुखार होती है जो किसी भी शीतल जल कणों के द्वारा शांत नहीं की जा सकती है, किसी भी प्रकार से इसे दूर नहीं किया जा सकता है। सततम मूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषा स्वाद मोहः, विषमो विषय विषा स्वाद मोहः, विषम माने अति भयंकर, विषय माने विषय वासना रूपी, विष माने विष, विषय वासना रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न हुई जो मोह माने मूर्छा होती, जैसे विषय विषय वासना रूपी विष का स्वाद इतना भयंकर होता है कि सतत मूल मंत्र सम्यह न, सतत माने लगातार, मूल मंत्र, मूल माने जड़, जड़ी बूटी, मंत्र सम्यह, कहा जैसे
अन्य विष के प्रभाव से उत्पन्न हुई जो मूर्छा रहती है, सर्प आदि के काटने से जो मूर्छा उत्पन्न होती है, वह मूर्छा तो जड़ी बूटी और मंत्रों आदि के द्वारा उसको शांत किया जा सकता है। सर्प काट लिया तो कहते हैं कि भाई फलाने को बुलाओ, जो है सर्प को झड़वाओ, झाड़ फूंक करवाते हैं तो मंत्रों के द्वारा थाली वोली लगती है और जो है सर्प के प्रभाव को, विष के प्रभाव को दूर कर दिया जाता है मित्रों। लेकिन विषय विष स्वाद मोह, विषय वासना रूपी स्वाद से उत्पन्न हुई जो विष की मूर्छा होती है, एक तो विष की मूर्छा होती है सर्प आदि के काटने से, और यहां कौन मूर्छा है, विषय वासना। लगन अगर एक बार लग गई, गंदी लत अगर लग गई, तो फिर उसे किसी प्रकार से भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो वही कह रहे हैं सुमनास जी, विषमा हमारे अति भयंकर, अत्यधिक भयंकर विषय वासनाओं का प्रभाव इतना भयंकर विषैला होता है कि इसके स्वाद को चख लेने के बाद जो उत्पन्न हुई मूर्छा होती है, सततम लगातार अमूल मंत्रस सम्यह न, मंत्रों आदि के द्वारा इसको कम नहीं किया जा सकता है। विषय वासना रूपी विष से उत्पन्न हुई जो मूर्छा होती है, यह जो है लगातार जड़ी बूटी और मंत्रों के द्वारा भी कम नहीं की जा सकती, अर्थात किसी प्रकार से इसे दूर नहीं किया जा सकता है। नित्यम स्नान शौच बाध्य, नित्यम स्नान शौच, नित्यम अस्नान शौच बाध्य बलवान राग मलावलेप, कहा जो है मित्रों बलवान राग मलावलेप, राग माने अनुराग प्रेम लगाव आसक्ति, विषय वासना में जो आसक्ति होती है, लगाव होता है, विषय वासना रूपी राग, राग माने लगाव आसक्ति, आसक्ति रूपी मल, मल माने गंदगी, अवलेप जो लिपी रहती है, छोपी रहती है, लगाई रहती है, कहा आसक्ति रूपी मल का जो लेप होता है, गंदगी होती है, यह इतना बलवान होता है कि नित्यम अस्नानम अशौच बाध्य, लगातार स्नान आदि के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती है। जैसे बाहरी गंदगी है, पसीना वगैरह के द्वारा व्याप्त गंदगी है, तो स्नान आदि कर लेने पर वह गंदगी, साबुन वगैरह लगा लेने पर गंदगी दूर हो जाती है, लेकिन यह आसक्ति रूपी गंदगी, आसक्ति रागम मलावलेप, राग मलावलेप, राग माने आसक्ति रूपी मल माने गंदगी का, अवलेप माने जो लेप है, स्नान शौचम बाध्य अ नित्यम, लगातार स्नान के द्वारा भी पवित्र नहीं किया जा सकता है, साफ नहीं की जा सकती। मित्रों अन्य गंदगियों को तो दूर किया जा सकता है, लेकिन आसक्त रूपी धन के प्रति आसक्ति हो, या जोरू के प्रति आसक्ति हो, या जमीन के प्रति आसक्ति हो, या वासना के प्रति आसक्ति हो, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति हो, आसक्त रूपी मल इतना गंदा होता है कि यह सांसारिक जो है स्नानों के द्वारा, सांसारिक जो है स्नान से संबंधित, सफाई से संबंधित समस्त प्रसाधनों के द्वारा दूर नहीं की जा सकती है। नित्यम स्नान शौच बाध्य, स्नान शौच बाध्य, कहा स्नान शौच आदि के द्वारा, शौच माने पवित्रता होता है, पवित्र नहीं की जा सकती है, यह बलवान, इतना बलवान राग मलावलेप होता है, इतना बलवान, इतना प्रचंड हो जाता है, कई परत की गंदगियों को जो है समाहित कर लेती है वह आसक्ति।
कई प्रकार के अवगुण आ जाते हैं, चोरी चमारी भी करने लगता है, दूसरों को सताने भी लगता है। तो इसलिए जो है यह ऐसा मलावलेप होता है। आज अस्रम छपाम अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख संपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण विस्तारेण, यहाँ होगा मित्रों विस्तारेण विस्तारेण अभिधेय से। कहा बेटा चंद्रापीर राज्य सुख संपात निद्रा, राज्य सुख से उत्पन्न हुई जो निद्रा रहती है, छपाम अवसाना रात्रि के समाप्ति के बाद में, अप्रबोधा जागने पर भी नहीं खुलती है। रात्रि समाप्ति होने पर अगर कोई जगा देता है हमको तो हम जग जाते हैं। लेकिन मित्रों देखिए कितनी अच्छी बात जो है सुकनास ने कहा है कि अगर अन्न निद्रा है, आप ऐसे थके मदे चाहे जितना भी थके हो, सो गए अगर कोई आपको जगा रहा है, या जो है मित्रों क्या हो गया, अगर सवेरा हो गया तो निश्चित रूप से आप जग जाएंगे। लेकिन राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख से उत्पन्न हुआ ऐसा सन्निपात, एक तो रोग भी होता है मित्रों, सन्निपात रोग हो गया तो फिर समझ लीजिए खत्म है। तो राज्य सुख से उत्पन्न हुआ जो सन्निपात रूपी निद्रा का रोग है, भवत होता है, ये क्या होता है मित्रों, छपा अवसाना, छपा माने रात्रि, अवसाना माने समाप्ति, अप्रबोधा छपा छपावसान प्रबोधा, रात्रि के समापन होने पर भी नहीं खुलती है। कहा जो है राज्य सुख से उत्पन्न हुई जो निद्रा होती है, धन मद से पगलाई हुई जो निद्रा होती है, यह नींद जगाए जाने पर भी नहीं खुलती है। इतनी घोर होती प्रबोधा घोरा, इतनी घोर निद्रा होती है, राज बिलासी है, बिलासिता में पगलाए हुए, अरे मेरा तो सब जो है नौकर चाकर मेरा सब करेंगे, मुझे क्या मतलब है। तो मित्रों राज्य सुख से उत्पन्न हुई जो सन्निपात रूपी निद्रा होती है, यह लगातार अजस्म छपाम लगातार प्रयास करके जगाने पर भी वह नहीं खोली जा सकती, वह नींद नहीं। देखिए मित्रों किसको जगाया जा सकता है, मैं जान रहा हूं यहां पर सुकनास जी कह रहे हैं कि हे बेटा चंद्रापीठ, मैं जान रहा हूं तुम सारी बातों को जान रहे हो, लेकिन केवल तुम्हें उपदेश देना मैं शेष इसलिए समझ रहा हूं कि तुम ही योग्य हो, उपदेश के योग्य हो। जगाया किसे जा सकता है मित्रों, जगाया उसे जा सकता है जो वास्तव में सो रहा हो, और जो पहले से जग रहा है सोने का बहाना किया है, ऐसे लोगों को कभी नहीं जगाना चाहिए, ऐसे लोगों को उपदेश भी नहीं देना चाहिए। तो बेटा मैं इसीलिए तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, दूसरों को नहीं, क्योंकि कहा गया है जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जो सुने समुझी अनिते रत जागत रही जो सोई, उपदेशी बो जगाई बो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है मित्रों, बड़ी अच्छी पंक्ति तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, अपने जो है अवधी भाषा में उन्होंने देखिए कहा है कि जो सुनी, जो सुन करके समझ माने समझ करके, जो सुन समझ अनितिरत फिर भी बुरे कार्यों में लगा है, सुन भी रहा है समझ भी रहा है फिर भी बुरे कार्यों में लगा हुआ है, जागत रहे जुसोई और जागते हुए भी जो सोने का बहाना किया है, जाग रहा है लेकिन सोने का बहाना किया है। तुलसीदास जी कहते हैं उपदेशिबो, ऐसे लोगों को उपदेश करना और ऐसे लोगों को जगाइबो जगाना उचित न होए, कभी भी उचित नहीं होता है।
ऐसे लोगों को उपदेश देना मित्रों, ऐसे लोगों को जगाना कभी भी उचित नहीं होता है। इसलिए हे बेटा चंद्रापीड, तुम उपदेश के योग्य हो, इसलिए ही तुमको उपदेश दिया जा रहा है। जो उपदेश के योग्य नहीं होते हैं उनको उपदेश देना भी उचित नहीं होता है। विद्या हमेशा जो है, जो सही ढंग से विद्या का सदुपयोग कर सके उसी को विद्या देना चाहिए, कुपात्र को विद्या। पहले के जमाने में मित्रों आप लोग सुने रहे होंगे कि परशुराम वगैरह ये कुपात्र को कभी भी शिक्षा नहीं देते थे। उसका कारण यही था कि अगर गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या पड़ जाएगी तो वह विद्या का दुरुपयोग करने लगता है, इसलिए किसी गलत व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो हे राजकुमार चंद्रापीड, तुम उपदेश के योग्य हो, इसलिए तुम्हें उपदेश देना मैं उचित समझ रहा हूं। नहीं तो वैसे तो तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि अगर अपात्र के कुपात्र के सानिध्य में अगर उपदेश चला गया, अच्छी बातें चली गई, तो आगे आपको मिलेगा मित्रों कि वह किस प्रकार से जो है उनके कानों को व्यथित करता है। काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धेमताम, व्यसने न च मूर्खाणाम निद्रजा काल है नवा। जैसे मूर्खों के लिए बताया गया है, बुद्धिमान लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धेमताम, बुद्धिमान जनानाम समय, बुद्धिमान जनानाम काल, तो विद्यायाम एव पठन पाठने एव व्यतीत बनता। मूर्ख जना तो स्वसमय से दुरुपयोगम करो, अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए तुम उपदेश देने के पात्र हो, इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है। तो कहते हैं उपदेश में कि राज्य सुख से उत्पन्न हुई जो निद्रा रहती है वह बहुत बार बार कह करके जगाने पर भी वह नहीं खुलती है। इत्यतः केवल इतना ही, इत्यतः इतना ही विस्तारेण अभिधीय से, इतना ही विस्तार से तुम्हें बताना है। हे बेटा चंद्रापीड, हे तात चंद्रापीड, हे तात, देखिए यहां तात यार, हे बेटा चंद्रापीड, तुम्हें विस्तारेण इत्यतः एव, विस्तारेण विस्तार से तुम्हें इतना ही अभिधीय से इतना ही बताना है। वैसे तो तुम सारी बातों को जान रहे हो, विदितम वेदितव्यः, जानने योग्य सभी बातों को जान रहे हो, अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो। ते न अल्पम उपदेशव्यम, तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश नहीं करना है, लेकिन संस्कार व स्वभावतः मैं आपको ये उपदेश देना चाह रहा हूं, इसलिए कि आप ही योग्य हो। तो मित्रों आज के क्लास के अंतर्गत इतना ही, मैं आपको एक गद्यखंड पढ़ाया। मित्रों अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी बताइए कि चंद्रा संस्थान में TGT की संस्कृत विशेष क्लास जो है, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आपको विशेष रूप से, जैसा भी आप मित्रों सहयोग चाहेंगे, मैं भी आपके ही बीच का हूँ। और ये चंद्रा संस्थान अभी तक तो केवल टेट और सुपर टेट में अपनी जो है छवि को लहराया, लेकिन अब आप लोग अगर बार बार कह रहे हैं तो हम लोगों को भी लगना पड़ रहा है। और चंद्रा संस्थान से TGT हर विषयों की क्लास विशेष योग्य अध्यापकों के द्वारा संचालित की गई है। तो मित्रों इसका आप फायदा अवश्य लें और अपने मित्रों को भी बताएं, शेयर करें। कोई भी अगर त्रुटि होती है तो उसको आप तुरंत बताएं। देखिए मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता है मित्रों, केवल वह परमात्मा ही पूर्ण है। अतः आप जो भी अगर त्रुटि होती है तो बताएंगे मित्रों, तो उसमें जो है पुनः परिमार्जन किया जाएगा और सुधार करके आपको हम निश्चित रूप से बताएंगे मित्रों। नमो नमः मित्रों, धन्यवाद आपका।